हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। शिफ्टिंग हो गई है स्टार्ट। आज ट्रॉली का सामान रख दिया एंड अब मैं रख रही हूँ अपनी बुक्स को अच्छे तरीके से, जिससे हम ये चीज़ें पैक कर लें एंड फिर ठेले वाले आते हैं उनसे उठवा के सामान ले जाएं। सारी शिफ्टिंग बहुत जल्दी जल्दी मुझको करनी थी क्योंकि इसके बाद था मेरा एक सेशन 1 आवर का। ये पूरा कट्टा भर गया है, मेरी बुक्स और भी बची हुई हैं। अब मेरा सेशन है गाइस एंड आई एम ऑल सेट फॉर माय सेशंस नोट्स के साथ, जो जो मुझे चीज़ें शेयर करनी है। एंड 11 बजे स्टार्ट है, 10:59 हो रहे हैं, सो स्टार्ट करती हूँ मैं सेशन को। मिलती हूँ सेशन के बाद आप लोगों से, शिफ्टिंग तब कंटिन्यू करेंगे, अभी थोड़ा सा ब्रेक लगा दिए, सो ठीक है। एंड उस दिन ऐसे ही अपने हैंड से जितनी छोटी मोटी शिफ्टिंग कर सकते थे हमने करी। एंड सेकेंड डे हमने बुलाए इलेक्ट्रिशियन अंकल, जो पंखे लाइट्स वगैरह सब उतारेंगे, एसी उतारेंगे, गीज़र वगैरह सब कुछ उतारेंगे। एंड सारा घर ऐसा फैल गया था बिकॉज सारा सामान शिफ्ट हो रहा था। ये मेरा टैडू की हालत इतनी बुरी हो गई थी ना, ये इलेक्ट्रिशियन अंकल यहाँ पे गीज़र उतार रहे थे एंड मैं सारे कपड़े वगैरह देख रही थी। हमारी प्री बुकिंग थी, हमको मोमोज खाने जाना था, प्री बुक करवा रखा था हमने इस दिन का। हमको आइडिया नहीं था कि इसी दिन इलेक्ट्रिशियन वगैरह सबको बुला लिया जाएगा, सो हम फटाफट उसका भी तैयारी करते। फिर हमने सोचा छोड़ो यार, अपने मोमोज पे फोकस करते हैं। फिर हम चले गए अपने मोमोज खाने शांति से। मोमोज बहुत टेस्टी थे, एनर्जी आई। घर पे आके सारे कपड़ों को हमने पैक करा क्योंकि आज ही हमको ठेले वालों को बुलाना था रात को, जिससे नाइट में शिफ्टिंग हो जाए, क्योंकि रात में हो जाए ज्यादा बेटर रहता है। सारी अलमारी खाली हो गई, एक पोटली ये बंद गई, अलमारी यहाँ से खाली, थोड़ा बहुत सामान और रखा हुआ है। तो यहाँ से इतनी पैकिंग चल रही है। इम्पोर्टेंट सामान मैंने बैग में डाल लिया है, जो कि हम दादू के यहाँ रखवा रहे हैं पहले, फिर शिफ्टिंग होगी आज रात को या फिर कल मॉर्निंग में। तो चलते हैं अब अपने मेन घर में, पुराने वाले घर में कुछ भी बोल लो, वहाँ जाके देखते हैं क्या चल रहा है। यहाँ पर पिक्चर्स वगैरह के लिए ड्रिल हो रही थी एंड सामने मम्मी की फ़ोटो देखकर बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। इस घर में बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिया है एंड हम लोग ऐसे फ़ोटो के सामने बैठे हुए थे कि यार बहुत सैड फील हो रहा था। बट कोई नहीं, वी हैव टू मूव ऑन, वी ऑल विल मूव ऑन एंड विल रीस्टार्ट। फिर रात को सारा सामान ठेले वाले भैया शिफ्ट कर रहे थे, उस घर से ठेले पे ला रहे थे। मैं आपको नीचे ठेला दिखाती हूँ। यहाँ पे 2-4 ठेले करीब आए थे, एक ठेला नीचे खड़ा था, बाकी सारे फिर से पुराने वाले फ्लैट पे गए थे वहाँ से लाने के लिए सामान। 8 बज गए हैं एंड धीरे धीरे सामान आने लग गया है, नीचे भी है थोड़ा सा। लाइट्स का काम हो गया है, लाइट्स लग गए हैं सारे रूम्स में एंड धीरे सामान भी आने लग गया है। कुछ सीढ़ियों से आएगा एंड कुछ ऊपर खींचा जाएगा। यहाँ पे ठेले पे है सारा सामान, बेड वगैरह। सारा काम साथ साथ चल रहा था, यहाँ सीढ़ियों से भी सामान आ रहा था। एंड अंदर का रूम दिखाती हूँ अभी कितना खाली है, यहाँ पे अलमीरा बेड सब आ जाएगा। इलेक्ट्रिशियन अंकल थे ये, यहाँ पे कारपेंटर का भी थोड़ा सा काम कर रहे थे क्योंकि पेंट वाले भैया ने हमारे यहाँ पे गेट ही को लॉक कर दिया था। यहाँ पे कुंडी नहीं लग रही थी, उसको थोड़ा ठोक पीट के यहाँ पे ये सही कर रहे थे। देन उसके बाद हम फिर से पुराने वाले घर गए थे, मैंने वहाँ शूट नहीं किया एंड लेट नाइट 12 करीब बज गए थे यहाँ बेड वेड ऊपर आने में। सारी चीज़ें यहाँ आप देख सकते हो, हम सभी की हालत कैसी हो गई है। 12:30 हो गए हैं एंड ये सारा सामान एंड बेड कल मॉर्निंग में जाएगा। अब हम लोग की हालत भी इतनी गंदी हो गई है यार, मेरा ब्लैंकेट भी तो रख लो। हाँ वहाँ पे है नहीं ना कोई भी, जो वो गए हैं पोटली उसमें क्या है, उसमें शायद अरे ब्लैंकेट होगा पर वो कहाँ होगा ये पता नहीं, ढूंढना पड़ेगा। एक तेरा ब्लैंकेट है, एक वहाँ पर मिल जाएगा, बाकी तो और कहीं है नहीं, सब फैल रहा है, सब पहुंच चुका है। चलो गाइस अब चलते हैं अपने पुराने घर की नींद लेने, बट वहाँ बहुत बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिया है। चलो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, कल मॉर्निंग में शिफ्टिंग होगी, बाकी की आगे की देखते हैं तब। तब तक के लिए बाय, लेट्स गो गाइस। देख लो एक चोर को रात के 1 बजे, यहाँ ये गेट बाहर से लॉक क्यों नहीं हो रहा, हम अब इसको खोल के भी नहीं जा सकते और ये बाहर से लॉक भी नहीं हो रहा।
यार, क्यों नहीं हो रहा ये? अरे बाहर से नहीं हो रहा लॉक, अनलॉक हो रहा है बाहर से, पर लॉक नहीं हो रहा। अरे यार, हमने बिल्डिंग के ग्रुप में भी डाला पर कोई आया नहीं। देखो लिफ्ट ग्राउंड पे ही है यार। ऐसा करो, 15 जाओ लॉक करो। और फिर अनलॉक करो बारह। अरे कोई आ रहा है। ऐसे छोड़ देते हैं यार। कौन से आज के दिन ही चोरी होनी है? नींद आ रही है बहुत ज़्यादा गाइस। 1:30 बज चुका है। 1:30 बजे, 1 बजे टाइम क्या हो रहा है? एक बज चुका है। कैब वाला भी हमको ऐसे लुक दे के जा रहा है ना जैसे हम चोर हैं। एक बड़ी सी बिल्डिंग के बाहर खड़े होकर चोरी कर रहे हैं। देखना भैया ने कपड़े भी ऐसे पहन रखे चोरों जैसे। चोरों जैसे कपड़े, काले कपड़े पहन रखे, चोरी लग रही, चोरी लग रही है। वैसे टोपी पहन के, टोपी उतारो, कम से कम इंसान तो लगा कोई। भाई नहीं, हम गेट को ऐसे ही छोड़ के आ गए एट लास्ट। 3rd डे की मॉर्निंग हुई हमारे नए घर में। फिर हम फटाफट पुराने फ्लैट पे पहुंच गए वहां पे काम देखने के लिए। ऊपर का सारा सामान सेट करवाया, जितना बचा था उस सबको थोड़ा सा स्कूटी पे ले आए, बाकी ठेले पे आ रहा था। आ गया है बहुत सारा, ऊपर भी बचा हुआ है। भाई देखें जरा क्या क्या बचा है। सुबह ब्रेकफास्ट तो बनाने का कुछ था नहीं, हम बाहर का चौड़ी खा आए हैं। अब थोड़ी काम है वहाँ के, खुद काम करेंगे तो आज हो ही जाएगा पूरा शिफ्ट। बहुत कल तो उम्मीद लगी नहीं रही थी, वैसे भी हो भी नहीं पाया था रात तक, पर अब आज काफी उम्मीद है कि हो जाएगा 3-4 घंटे में। देन हमारा घर पूरा भर गया सामान के साथ। एंड यहाँ पे लास्ट जस्ट टच अप जो कुछ चीज़ें बची है वो कर रहे हैं। देन हम गैस पाइपलाइन निकालने के लिए पुराने वाले घर में आए थे और बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी तो हमने 2 पैकेट्स ले लिए थे। गैस पाइपलाइन निकली एंड घर पे आके मैंने पोहा बनाया, वो खा के थोड़ी जान आई। मैं सेटिंग पूरे सारे सामान की एंड अब मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप यू लाइक दिस व्लॉग, गिव इट अ लाइक, सब्सक्राइब एंड बाय बाय।